हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने टिकट बुक करवाया है और टिकट में RAC या फिर वेटिंग लिस्ट में आ गया है, जिस तरीके से मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने टिकट बुक करवाया था और यहाँ पर जो PNR नंबर है और ये नाम है और ये जो टिकट आप देख रहे हैं RAC 82, 83, 84 और वेटिंग लिस्ट, और ये वेटिंग लिस्ट 2, यानी कि ये 5 टिकट मैंने बुक करवाया था, ठीक है। तो ये RAC में है और वेटिंग लिस्ट में, और आज की डेट में मैं इसका स्टेटस चेक करना चाहता हूँ। तो कैसे चेक करें, उसके लिए आपको आना है इस पर, इस वाले ऐप पर जो कि मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार और बता देता हूँ, ये वाला इग्जीगो ट्रेंस ऐप, ये वाला है। आप ये प्ले लिस्ट से डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको अगर PNR चेक करना है तो आप जाना है PNR में, ये रहा PNR वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर PNR नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर 10 डिजिट का PNR नंबर होता है। चलिए मैं नंबर डालता हूँ, PNR नंबर, ये मैंने PNR नंबर डाल दिया है। अब मैं इस पर सर्च पर क्लिक करूँगा। सर्च पर करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो भी करंट मेरा स्टेटस है। देखिए, पहले मेरा जो था RAC 82 था, अब RAC 61 आ गया है, ये 83 था, 62 आ गया है, 84 था और ये 63 आ चुका है, ये वेटिंग लिस्ट में था, 64 आ गया, यानी कि मेरा जो स्टेटस है PNR का, ये मेरा RAC में आ चुका है जो वेटिंग लिस्ट में, और कम होता गया है। लेकिन अब मैं देखना ये है कि ये जिस दिन चार्ट प्रिपेयर होगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड, चार्ट जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा तब ये डब्बा नंबर आ जाएगा, S1, S2, S3, जो भी आपका डब्बा नंबर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।